नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरजे न्यूज में। आपके साथ मैं हूं आरती। दरअसल बीते सोमवार को घटनास्थल ग्राम कोनारी खाल प्राथी के खेत बाड़ी के ताला को कुछ लोगों के द्वारा तोड़ने की सूचना प्राथी रविंद्र वर्मा के बड़े पिताजी राधा किशन वर्मा के द्वारा प्रार्थी के पिताजी रूपेंद्र वर्मा को देने पर प्रार्थी अपने भाई एवं पिताजी के साथ मौके पर पहुंचने पर कुछ लोग खेती बाड़ी के अंदर घुसे हुए थे। कुछ लोग गेट के पास खड़े मिले जो इन लोगों को देखकर भाग रहे थे, तो वहीं भागते समय व्यक्ति पकड़े गए जो अपना नाम नागेंद्र राजपूत तथा भागे हुए अपने साथी गण का नाम क्रमशः संदीप धीवर, विनय धीवर, विशाल खिलेंद्र बंधवारे बताने पर प्रार्थी के द्वारा अपनी पॉकेट डायरी में पेन से नाम लिखने के दौरान पकड़े गए। आरोपी गण के अन्य साथी गण आकर एक राय होकर बलवा करने एवं हत्या करने की नियत से प्रार्थी एवं उसके भाई पिताजी के ऊपर आरोप लगाते हुए अपने साथी गण को क्यों पकड़े हो कह करंदी गालियां देकर जान से खत्म करने की भी धमकी देकर लाठी डंडे एवं धारदार वस्तु से मारपीट किए, जिससे प्रार्थी एवं प्रार्थी के भाई दुर्गेश्वर वर्मा, पिताजी रुपेंद्र वर्मा को चोटें आई। 6/3/2023 की रात के करीब 11 बजे पीड़ित दुर्गेश वर्मा अपने भाई प्रवीण वर्मा और अपने पिताजी रुपेंद्र वर्मा के साथ में उनके बड़े पिताजी राधा कृष्ण वर्मा की सूचना पर कि उनके बाड़ी पे कोई अज्ञात चोर द्वारा चोरी करने के लिए घुस रहे हैं की सूचना पर उन्होंने मोटरसाइकिल से करीब बरतोरी से करीब 2-3 किलोमीटर कुनारी खार में पड़ता है और अपने गए वहां पर देखे तो भरतोरी के करीब 7-8 लड़के उनके घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिनके साथ में इनकी झड़प हुई। झड़प होने के बाद में फिर वो दो सात तीन चार लड़के भाग गए। उसके बाद उस दो लड़के पकड़े गए थे, जिनने दोनों पकड़े लड़के लोगों से नाम पता पूछ रहा था। उसी दरमियान फिर उन्होंने आकर के फिर इनके साथ हमला कर दिया। हमला करने के दौरान दुर्गेश को उसमें से एक चारी बालक जो है अपने पास रखे चाकू से वार किया, जिसके कारण से उसे काफी चोटें आई। चोटें आने के बाद सब ये वहां से फरार हो गए। फरार होने सूचना पर 112 के माध्यम से अस्पताल में लाकर के इनको इलाज कराया गया और इलाज कराने के दौरान इस पर से प्रार्थी प्रवीण वर्मा की रिपोर्ट पर से इनके आरोपियों के खिलाफ में 147, 148, 349, 307, 25, 27 आर्म्स एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।